देश भर में तेंदुओं के ऊपर ढाए जा रहे जुल्मों की कहानी गंभीर होती जा रही है। हाल के दशकों में ऐसा देखा गया है कि राज्यों के जंगलात विभाग के अधिकारी ही इंसान और तेंदुओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिना पता लगे कि कोई तेंदुआ प्रॉब्लम एनिमल है कि नहीं, जरूरी ठिकानों पर जहां तेंदुआ की मुमकिन मौजूदगी होती है वहां पिंजरा लगा देते हैं, उसे पकड़ते हैं और दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रवैये से ये समस्या ज्यादा गंभीर हो रही है। जानकारों का कहना है कि कई किलोमीटर दूर नए जंगल में तेंदुआ अपने आप को अनजान जगह पाकर परेशान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा तनाव, सदमा और अवसाद के अलावा भोजन का संकट उसे चिड़चिड़ा बना देता है, तो नतीजा यही होता है कि नई जगह पर वो पहले से ज्यादा हिंसक हो जाता है। फिर झुंझलाहट में वह राह चलते घुमक्कड़ मवेशियों को अपना शिकार बनाता है और इसके अलावा इंसानी बस्तियों में घुसने से भी नहीं हिचकिचाता। लेपर्ड्स में बहुत होमस्टिक रहता है, अगर उसे पकड़ करके 100 किलोमीटर दूर भी छोड़ा जाए और लौटते में फॉरेस्ट उसको इंटैक्ट मिले तो वो सीधे अपने नेटिव रेंज में आ जाता है। परंतु अगर हमारे जैसे फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पर विलेजेस बने हुए हैं, तो बहुत वो ट्रॉमा में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, हंगरी रहता है, तो ऐसे में वो जो है किसी कैटल पे अटैक कर सकता है जिससे कि कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस में बताया है कि उसको कभी भी पकड़ने की जरूरत पड़े तो 10 किलोमीटर उसके नेटिव रेंज के दूरी के अंदर में ही उसे छोड़ा जाना है। जानकारों की राय में तेंदुआ को अगर 100 किलोमीटर के दूर भी छोड़ा जाए तो वह अपने मूल वन में लौटने का प्रयत्न करता है और अगर कोई बाधा न हो तो वापस अपने मूल वन में पहुंच भी जाता है। कई बार वापस लौटने में आने वाले उन गांवों में जहां कभी तेंदुआ नहीं देखा गया वहां भी मानव तेंदुआ द्वंद्व पैदा हो जाता है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से 150 किलोमीटर दूर जुन्नार देव में चिप लगाकर छोड़ा गया तेंदुआ वापस संजय गांधी नेशनल पार्क में पहुंच गया था। अधिकारी जानवरों की मानसिकता समझना नहीं चाहते। भारत सरकार ने गाइडलाइंस में कहा है कि चूंकि तेंदुए को अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, इसलिए जिस जगह से वो पकड़ा गया है उससे 10 किलोमीटर के दायरे में उसे छोड़ा जाना चाहिए। सरकार के इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी गाइडलाइन के अनुसार तेंदुए को रेडियो कॉलर लगाकर लगातार मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है, लेकिन इस तयशुदा नियम और प्रावधान की परवाह अधिकारी नहीं कर रहे हैं। रेडियो कॉलर लगाए बिना तेंदुओं को दूसरे वन क्षेत्रों के अध्ययन किए बिना कई किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के मानक प्रचालन प्रक्रिया में भी रेडियो कॉलर लगाकर 24 घंटे में तेंदुओं को छोड़े जाने का प्रावधान है। दरअसल तेंदुए को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ने का उपाय समस्या को दूर करने की बजाय बढ़ाने वाला होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लेपर्ड एक शेड्यूल्ड वन एनिमल, प्रोटेक्टेड एनिमल है, जिसके लिए कोई भी निर्णय लेने का अधिकार सेक्शन 11 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को होता है कि उसे पकड़ना है, छोड़ने का है। परंतु छत्तीसगढ़ में कई जगह पे DFOs बिना CWNW की अनुमति के केज लगाते हैं, लेपर्ड पकड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर दूर उसे छोड़ देते हैं। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। ध्यान रहे, तेंदुआ वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित वन्य जीव है। बिना मुख्य वन जीव संरक्षक अर्थात प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य प्राणी के आदेश के इसे पकड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत 3 से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान होता है। कानूनी जानकारी होने के बावजूद वन मंडल अधिकारी मुख्य वन जीव संरक्षण के बिना अनुमति के पिंजरा लगाते हैं और तेंदुए को पकड़ देते हैं, फिर मनमाने स्थान पर छोड़ देते हैं। तेंदुओं को लेकर जंगलात विभाग की लापरवाही से इस जानवर के सामने संकट बढ़ता जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेंदुए को बेहोश करने के वक्त
दो दवाइयों के मिक्सचर इंजेक्शन लगाया जाता है। बेहोशी से बाहर निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है तो वह एक ही दवाई के लिए काम करता है। दूसरी दवाई के असर से जब तेंदुआ बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से पिंजरे की जालियों से टकराता है, जिससे उसे अंदरूनी चोट भी लग जाती है, जो सेप्टिसीमिया का कारण बन जाता है। इससे तेंदुए की मौत भी हो जाती है। एक और जंगलात विभाग की लापरवाही और मनमानी और दूसरी ओर तेंदुओं को मारे जाने के बेतरतीब तरीके ने कई सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य के बफर जोन क्षेत्र में शिकारियों के हाथों तेंदुए मारे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक गाय के शरीर पर जहर लगाकर 3 तेंदुए के शिकार का मामला अभी सामने आया है। आज तेंदुओं की आबादी में हुई बेतहाशा वृद्धि ने इंसान के साथ इनके टकराव को कहीं ज्यादा घातक बना दिया है। इंसान हर हाल में तेंदुओं पर भारी पड़ रहा है, इस कारण तेंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में तेंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, लेकिन याचिका और कानूनी प्रावधान से क्या होगा? जंगलों से भटक कर आए जंगली जानवर इंसानी बस्तियों को जिस तेजी से ठिकाना बना रहे हैं, उससे दोनों के बीच तनाव कम होगा कहना मुश्किल है। रायपुर से शिवराज अवस्थी, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।